हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? घर पर अच्छे से हो? सब सुरक्षित अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। और सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी पढ़ाई भी आप लोग जारी रख रखे होंगे। आज हम कक्षा 8वीं का भारत की खोज का जो पूरक पुस्तक है उसका अहमदनगर का किला पहला पाठ हम पढ़ने जाएंगे। भारत की खोज जो पुस्तक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। इसमें उन्होंने अपने जो अहमदनगर की यात्रा, जेल की यात्रा का उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह अपनी जेल यात्राओं के समय पंडित नेहरू ने अपने दिन बिताए, उसकी उन्होंने चर्चा की है। तो उन्होंने कहा है कि यह मेरी नवी जेल यात्रा है और यहाँ आए उन्हें 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। और जब वो यहाँ पहुंचे थे तो अंधियारे प्रकाश में, माने रात के समय वो यहाँ पहुंचे थे। और किसने उनका स्वागत किया था? दूज का, द्वितीय का चांद, दूज का चांद ने उनका स्वागत, माने रात के समय वो यहाँ पहुंचे थे और उस समय शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। बच्चों, हिंदी के महीने में जो एक महीना पूरा होता है वो कैसे जाना जाता है? दो पक्ष होते हैं, एक है कृष्ण पक्ष, दूसरा है शुक्ल पक्ष। तो प्रतिपदा मतलब एकम की तिथि से लेकर अमावस्या की तिथि को पहला 15 दिन जो होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, क्योंकि उस समय अमावस्या रहता है और पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता है। और अमावस्या के ठीक दूसरे दिन प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के 15 दिन को शुक्ल पक्ष कहा जाता है, क्योंकि उस समय सिर्फ चांदनी ही चांदनी होती है। तो तब से हर बार जब भी एक नया चांद उगता था, मतलब जब पूर्णिमा में एक नया चांद होता था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद आ जाता था कि अब मेरे कारावास में एक महीना बीत गया। तो इस तरह हम जैसे कैलेंडर देखकर जान पाते हैं कि हमारा एक महीना हो गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्णिमा के चांद को देखकर जानते थे कि उनका एक महीना पूरा हो गया। और वो बता रहे हैं कि ये जो चांद है यही उनके जीवन का स्थायी सहचर है, माने पूरा परमानेंट फ्रेंड इनका रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। चांद से उन्हें सीखने के लिए मिला कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, अर्थात अमावस्या के दूसरे दिन ही प्रतिपदा शुरू हो जाती है और धीरे धीरे प्रकाश रात को छाने लगता है। तो इससे उन्हें सीख मिलती है कि अंधेरा जीवन में रहता नहीं है, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। यहाँ पर देखिए, आप लोग के चित्र में दिखाया गया है वो जहाँ रुके थे वहाँ का दृश्य यहाँ दिखाया गया है। उनको जिस कमरे में रखा गया था, रूम नंबर 8, वहाँ का दिखाया गया है। उसके बाद उन्होंने एक विषय रखा है, अतीत का बाहर। वो कह रहे हैं कि दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी ये बागवानी करना इन्होंने शुरू कर दी, माने इन्हें बगीचे में काम करना, फूल लगाना बहुत शौक था। तो जब इनकी जेल इनको जेल हो जाती थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ते लड़ते, तो जब उन जेलों में ये क्या करती थी, बागवानी शुरू कर देती थी। और रोज कई घंटे तपती हुई धूप में ये क्या करते थे, फूलों की क्यारियां लगाते थे, लाइन से फूलों के गच्छ लगाते थे, पौधे लगाते थे। और यहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी, बहुत पथरीले थी, बहुत पत्थर थे, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी। मलबा अवशेष मतलब जो पुराने मकान जब गिर जाते हैं, पुराने जो महल गिर जाते हैं, तो उनका जो मलबा रहता है, उनका जो अंश रहता है, वो उनसे भरी हुई थी। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है, अहमदनगर का किला, किला से ही समझ में आ रहा है कि इतिहास से संबंधित रखता है, तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है। इसलिए अतीत में इस किले को देखकर लगता है कि अतीत में कई युद्ध और राजमहलों को की दुर्भी संध्या इसने देखी है, माने इस किले ने बहुत सारे युद्ध देखे, इतना पुराना ये किला है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं, ज्यादा इससे कोई घटनाएं इस किले से नहीं जुड़ी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी एक घटना इससे जुड़ी है जो जवाहरलाल नेहरू को याद आती है। और वो बताते हैं कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला, साहसी महिला की कहानी इस किले से जुड़ी है।
जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का उसने नेतृत्व किया था। और अंत में उसकी जो हत्या, चांद बीबी की हत्या, उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई थी। तो खुदाई के दौरान जब ये बागवानी के लिए खुदाई कर रहे थे जमीन में, तो जमीन की सतह मतलब जमीन के नीचे इनको नीचे दबी हुई बहुत सारी प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले, कुछ गुंबद मिले और इमारतों की ऊपरी हिस्से भी इन्हें मिले। तो इस बहुत ज्यादा दूर तक ये नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों को इसकी मंजूरी मिली थी और ना ही इनके पास काम आगे का काम जारी रखने के लिए उस तरह के औजार के साधन थे। अब इन्होंने क्या किया, कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। अब जब इनको काम करने नहीं दिया गया आगे तक, तो जो कुदाल फावड़ा से काम करते थे उसे छोड़ दिया और इन्होंने कलम उठा ली। पर मैं अब तक आजाद नहीं हो सक जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा भी नहीं बना लेता। ये यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं अपने कर्मों से जब तक आजाद नहीं हो जाता तब तक मैं इन चीजों को अपना इतिहास नहीं बना ले सकता, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं उसके बारे में लिख ही नहीं सकता हूँ, मैं इतिहास अतीत के बारे में भविष्य के बारे, क्योंकि ना ही मैं पैगंबर की भूमिका अख्तियार करता हूँ, मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। मतलब मैं अतीत में क्या हुआ, क्या हो सकता था और वो सब मैं नहीं लिख सकता, लेकिन भविष्य के बारे में मैं लिख सकता हूँ, वर्तमान के बारे में मैं लिख नहीं सकता, और क्या बच जाता है, अतीत। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। वो कह रहे हैं अतीत जो है, एक इतिहासकार और विद्वान लोग अतीत के बारे में जैसे लिखेंगे, कुशलता से लिखेंगे, मैं नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों क्रियाकलापों के संबंध में स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। कले मैं जैसे पहले लिखता आ रहा था, खुद के विचार होंगे, मेरे क्रियाकलाप के बारे में जो भी होगा मैं लिख सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। गेटे ने क्या कहा था कि इस तरह का जो इतिहास लेखन है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, वो एक तरह से हमारा जो अतीत का बोझ है हमारे मन में, उसकी एक लिमिट सीमा तक हमें राहत दिलाता है, क्योंकि हम पर अतीत का बहुत दबाव था। दबाव, किसी भी तरह का दबाव मतलब प्रेशर, किसी भी तरह का प्रेशर हो, भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है, ठीक है, दोनों ही हमें परेशान करता है। कभी कभी क्या होता है, ये दबाव जो है एक तरह से दम घोटू हो जाता है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं। तो ये दबाव कभी कभी बहुत दम घोटू हो जाता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि अपनी पुरानी परंपरा, पुरानी सभ्यताओं में जुड़े हुए होते हैं, जैसे भारत और चीन। इसमें पुरानी परंपरा, पुरानी सभ्यता से लोग अभी भी जुड़े हैं। तो जवाहरलाल नेहरू खुद से प्रश्न करते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मेरी क्या विरासत है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, मैं किन चीजों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, क्या मैं उन सबका उत्तराधिकारी हूँ जो मैंने मानवता ने, मानव समाज ने 10,000 साल के दौरान में जिन चीजों को उसने हासिल किया, मैं उन चीजों का उत्तराधिकारी हूँ, उन चीजों का मतलब उनका जो स्वभाव है, उनका जो चलन है, वो मुझे मिलेंगे विरासत के तौर पर, उसकी विजय के उल्लास का, या उन्होंने जो युद्ध किए उनका उत्तराधिकारी हूँ, उन चीजों का उत्तराधिकारी हूँ, या उनकी पराजय की दुखद यंत्रणा का, जो जब वो पराजय हुए और जो दुख उनको मिला उसका उत्तराधिकारी हूँ, वो मुझे विरासत में मिले हैं। मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई, या फिर मनुष्य ने जो हैरत अंगेज आश्चर्यजनक
साहसिक कार्य किए जिनकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी और जो अभी भी जारी है, जो हमें आकर्षित करती है। क्या वो मुझे चीजें विरासत में मिली है, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, तो मैं इन सब का वारिस हूँ। वो कह रहे हैं मैं सिर्फ एक चीज का वारिस नहीं हूँ बल्कि मैं इन सभी चीजों का वारिस हूँ। सब चीजें मेरी पुरखों की दी हुई है, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। वो कहते हैं साथ में उसकी भी, उसका भी उत्तराधिकारी हूँ जिसमें पूरा मानव जाति का साझेदारी है। वो कहते हैं कि हम भारतीयों की विरासत में एक खास बात है। हम लोग की जो विरासत है, जमा पूंजी है, पूर्वजों की देन है, उसमें एक खास बात है, अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। कल इतनी भी कोई अनोखी नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति किसी से अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है। कौन सी बात? जो हमारे रक्त, हमारे खून, हमारे मांस और अस्थियों में समाई है, इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भविष्य का रूप भी इसी विशेषता से ही बनेगा। तो इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे समय से जवाहरलाल नेहरू के मन में घर किए हुए कि ये जो विशिष्ट विरासत है, इसका जो विचार है वो हमको वर्तमान पर लागू करना है। इन चीजों को, ये जो हमारी धरोहर है, इन चीजों को हमको वर्तमान पर लागू करना है। और वो कहते हैं मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ, मैं इन्हीं सभी चीजों के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती, लेकिन ये जो विषय है बहुत कठिन विषय है, बहुत जटिल है, जो कि मुझे मतलब अर्थात जवाहरलाल नेहरू को डरा देती है और उनको लगता है कि मैं सिर्फ अभी तक सतही तौर पर मतलब सिर्फ इसके ऊपर ही मैंने स्पर्श किया इन विरासत को, इन हमारे अतीत को, अगर इसके अंदर जाऊंगा ये सोच कर भी मेरा मन जो है वो कांप जाता है। तो बच्चों, ये आप लोगों का पहला पाठ था। एक बार इस पाठ को पूरी ध्यान से जरूर पढ़िएगा और इसके प्रश्न उत्तर भी कीजिएगा। घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।